हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बढ़िया है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैं आप लोगों को अपने किचन में लेके आई हूँ, विच मीन्स आज कुछ खास बनने वाला है। और क्या खास बनने वाला है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। आज मैं जो बनाने वाली हूँ उसकी इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली है, वो है सारी वीडियोज और अपनी बहन के हो या अपने कजन्स के हो, सब लोगों को मैं देख रही हूँ आजकल वो इंजॉय कर रहे हैं सर्दियों में सिड्डू। तो मेरा भी काफ़ी मन किया इन लोगों की वीडियोस देख के कि मैं भी सिड्डू खाऊं, बट द प्रॉब्लम इज मैंने कभी बनाए नहीं है तो मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे सिड्डू कैसे बनेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मम्मी के साथ एक डेढ़ घंटा बात करने के बाद और सारे सब्स्टिट्यूट ढूंढने के बाद मेरे पास जो सामान इकट्ठा हुआ है उससे देखते हैं कैसे बनेंगे आज के मेरे सिड्डू। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी मेरे लिए एक्साइटेड हो मेरे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं बाहर शॉपिंग के लिए गई थी ग्रोसरी स्टोर और वहाँ से अपना सारा सामान लेके आ चुकी हूँ और अब मैं शुरू करने वाली हूँ प्रोसेस। तो शुरू करने के लिए हम करेंगे आटे के साथ, क्योंकि उसमें मुझे लगे कम से कम 2 से 3 घंटे उसको रेस्ट करने के लिए, या फिर जब तक वो फ्लफी नहीं हो जाता, ईस्ट उसमें एक्टिवेट नहीं हो जाता। दूसरा स्टेप होगा फिलिंग के लिए और तीसरा स्टेप होगा बनाने के लिए, जो कि सबसे सिंपल है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेनली सारा जो टाइम जाता है वो आपका डो को रेस्ट करने के लिए और फिर एक्टिवेट करने के लिए और आपकी फिलिंग के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने वाले हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है डिनर के लिए। आज मैंने सोचा है सिड्डू बनेंगे और मैं बनाऊंगी, आई होप अच्छे बने भगवान। बट एक छोटी सी गलती होगी मुझसे कि मैं घी लाना भूल गई, तो आई गेस मैं ये येलो घी यूज़ करूँगी या मे भी घी के साथ ना खाऊं और वैसे ही ड्राई खाऊं, लेट्स सी। बट आई होप पहले मेरे सिड्डू तो बन जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डो। सो ये है ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए सामान, क्योंकि बाहर ठंड है तो मैंने थोड़ा सा लीक वार्म वाटर लिया है और इसी में मैं बाद में डो ऐड करूंगी, तो इसको इसीलिए इसमें एक्टिवेट कर रही हूँ। वैसे आप अलग से भी ईस्ट को एक्टिवेट कर सकते हो, बट बिकॉज मैं सारा सामान बाद में यूज़ करूंगी तो मैं ज़्यादा बर्तन नहीं बनाना चाहती हूँ। और ये है हमारा एक्टिव ड्राई ईस्ट, सो विच मीन्स इसको आप एक्टिवेट करोगे और एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी। मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टीस्पून, क्योंकि मम्मी ने बोला था अगर सिर्फ 7-8 पीस बनाने 2 टीस्पून काफ़ी है। और उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ईस्ट के लिए खाना, विच इज़ शुगर सुक्रोज, और वो भी आई गेस सेम क्वान्टिटी, आई डोंट रिमेम्बर मम्मी ने क्या कहा था। और मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी नहीं तो खाना मीठा हो जाएगा बहुत। दैट्स इनफ, इसको अब मिक्स कर लो। और इसका पता कैसे चलेगा कि ये एक्टिव हो गया कि नहीं, उसके लिए हम वेट करेंगे इसमें बबल्स आने का। जैसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए रहने देंगे अलग से रेस्ट करने के लिए। और जब ये रेस्ट करके फ्री हो जाएगा इसके चारों ओर बबल्स आ जाएंगे, विच मीन्स इट्स डन। ये हो गया हमारा पार्ट 1। जब तक हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है, मैं अब क्या करने वाली हूँ नेक्स्ट, एक पॉट लेके उसमें पानी उबालने को रख दूंगी, क्योंकि जो सेसमी या तिल है उसको बनाने के लिए मुझे उसको गर्म पानी में सोक करना होगा, बॉईल नहीं करना है, सिर्फ सोक करना है, सो दैट वो सॉफ्ट हो जाए और उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ, उसका पेस्ट अच्छे से बन सके। और उसमें मैं लेटर कुछ और भी ऐड करूँगी सो दैट वो कड़वा टेस्ट ना करे एट दी एंड। सो लेट्स बॉइल द वाटर। मुझे प्लेन सेसमी तो नहीं मिले, मैंने बहुत कोशिश की कहीं से मुझे प्लेन सेसमी मिले। जो मुझे सेसमी मिले हैं वो है रोस्टेड सेसमी। सो मम्मी ने कहा पता नहीं कैसे टेस्ट करेंगे, बट सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है आज, सो आई नॉट रोस्टेड सेसमी इंस्टेड ऑफ रेगुलर। जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैं आई गेस आधे से ज़्यादा कंटेनर डालूंगी, क्योंकि मैं 2-3 पीस तो बनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है तिल के सिड्डू, तो जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बने। दूसरी फिलिंग के लिए मैंने सोचा है मैं बनाऊंगी प्याज और आटे की। उसका प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। फिलहाल के लिए अभी मैं प्याज लंबे काट दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, और उसको हम मिक्स करेंगे थोड़े से भुने हुए आटे के साथ।
जो कि मैं अभी करूँगी। शायद मैं मीठे सीधू भी बनाऊँ, पर मेरे पास गुड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला मुझे गुड़, या तो मुझे कहीं काफ़ी दूर जाना पड़ता गुड़ लेने के लिए। रिगार्डलेस, मम्मी ने एक मेरे को सब्सटीट्यूट दिया है जो कि हेल्दी नहीं है, बट मोर और लेस आपके मीठे का सेटिस्फेक्शन कंप्लीट कर सके, वो है चीनी। तो शायद मैं चीनी के साथ आटा मिक्स करके बनाऊंगी, देखूंगी एक छोटा सा बना के, अगर अच्छा बना, नहीं बना तो क्या पता ना भी खाऊं। मुझे इतना भी पसंद नहीं मीठे सीडू, मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने तिल और प्याज के सीडू के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं 2-3 मिर्च यूज़ करूँगी, लाल प्याज क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है होने के बाद, और ये हरा धनिया थोड़ा सा। आई गेस ये इतना इनफ होना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसी टाइम ही थोड़ा और काट लूँगी। और जैसे आपको दिख रहा है पानी उबल चुका है, अब मैं इसको ऑफ करूँगी और इसमें सिर्फ सेसमी डाल दूँगी। मैंने गर्म पानी में ऐड कर लिए, अब मैं इनको साइड में रख लूँगी, इनको बिल्कुल टच नहीं करने वाली 1 घंटे के लिए। और अब मैं अपना आटा रोस्ट करूँगी, और ईस्ट भी ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो चुका है जो कि आपको दिखाती हूँ मैं भी। यस कोको, ईस्ट भी एक्टिवेट हो गया, इसमें बबल्स आ चुके हैं जैसे आपको दिख रहा है, तो और स्मेल से भी आप बता सकते हो कि एक्टिवेट हो चुका है। मैं इसमें अब आटा मिक्स कर लेती हूँ। ओके, आई गेस दैट्स इनफ फॉर नाउ। और अब मैं मैजिक होने के लिए रखने वाली हूँ कवर करके। अभी बजे 8:25, सो लेट्स सी अनदर 1-1.5 घंटे में इसका कैसा कंडीशन बनता है, और मेरे बाकी चीज़ों का भी। अब मैं आटा फ्राई कर लूँगी सो दैट मैं एटलीस्ट अपना अनियन मिक्सचर भी बना के साइड में रख लूँ। आटा रोस्ट कर लूँगी, मिक्स नहीं, आटा रोस्ट कर लूँगी। सो आटा रोस्ट करने के लिए मैं ढूंढ रही हूँ अपना नॉन स्टिक पैन, ताकि ज़्यादा जले या भुने नहीं। सेम आटा यूज़ करूँगी मैं जो मैं रोटी के लिए यूज़ करती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस मेरे और मम्मी के सीटू में ये है कि हम दोनों के आटे सेम हैं, विच मीन्स मेरे जो सीटू हो गए वो गोरे नहीं हो गए देखने में, वो बेचारे थोड़े से डार्क हो गए, I mean, brownish उसमें। ऊपर से मेरा आटा भी होल व्हीट है, so I'm not sure exactly वो कैसे दिखेंगे। जिस खाने में अच्छे हो, दिखने में चलो I can compromise. Okay. अब बस मैं literally flame को high होने का wait कर रही हूँ, और उसके बाद मैं हल्के हाथ से सौते करूँगी। मैं ये पूछना भूल गई कि इसमें घी डालना है कि नहीं, बट अगर मैं घी डालूंगी तो ये हलवा जैसा हो जाएगा, तो मे बी मैं घी को अवॉइड करने वाली हूँ यहाँ पे इस सिचुएशन में। हमारा आटा भुन के तैयार हो चुका है, जैसे कि आपको इसका कलर नज़र आ ही रहा है, वाइट से ये हो चुका है ब्राउन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड।
और जैसे जैसे इसे मैं भून रही थी, जब इससे वो खुशबू अरोमा आना शुरू हो गया तो मुझे फ्लैशबैक आ रहे थे कि जब मम्मी सिल्लू बनाया करती थी खुशबू से. वो होता है कुछ एक फ्रेग्रेंसेस आपके दिमाग में रह जाती है और आपको वो एकदम से वहीं लेके चली जाती है जहाँ पे आपने पहली बार वो चीज़ एक्सपीरियंस की हो. तो सेम वैसे ही हो रहा है, मतलब खुशबू में तो एकदम वैसा ही है जैसे मम्मी बनाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था. थैंक गॉड मैंने अपना आटा जलाया नहीं, वरना सिमिलर नहीं होता. सो अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है, एंड तक देखते हैं कैसे रहेगा सारा. इसको अब मैं साइड में रख लूँगी. और मेरे सेसमी सीड्स भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट मैं अभी इन सब चीज़ों को, मतलब आटे को कूल डाउन होने दूँगी, सेसमी को और सोख होने दूँगी. और आटा मेरा अभी फर्मेंट हो ही रहा है, जब मेरा पूरा फर्मेंटेशन कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आके हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाले स्टेप बहुत इजी है. अब सिर्फ जो सबसे बड़ा काम है वो है पेशेंस और इत्मीनान से इंतज़ार करना, बार बार चेक नहीं करना, क्योंकि अगर मैं बार बार आटे को खोल के देखूंगी तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा. सो लेट्स वेट एंड देन सी हाउ इट गोस. अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुए, पेशेंस पता नहीं मेरी कितनी है कितनी नहीं है, बट मुझे एकदम अचानक से क्या ध्यान आया, जब भी मम्मी को कुछ रैपिडली करना होता था, यानी कि सिड्डू का डो रैपिडली फर्मेंट करना होता था, वो क्या करते थे? सबसे पहले तो गर्म पानी में गूंद लो, गर्म ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए भी गर्म पानी. दूसरा, वो आटे को भी कवर कर लेते थे ताकि उसको गर्म मॉइस्चर मिले जिससे वो और जल्दी एक्टिवेट होगा. सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अपना ये हैंड टॉवल जो कि गंदा नहीं है, साफ है, धुला हुआ है, उसको लेके अब ये मैंने कवर कर लिया. इसके ऊपर अब मैं थोड़ा वेट रखूँगी सो दैट ये मूव ना करे और कहीं से भी हवा ना जाए और इसमें जितनी भी गर्माहट है वो अंदर ही रहे. सो उसके लिए हम लेंगे नॉट द बेस्ट बट दिस इज व्हाट आई हैव, पानी का जग. आई होप इससे प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए और जैसे ही होगा मैं आपको बताऊँगी. अभी तो सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए इसको रख के, एक और घंटे में दोबारा से रिविजिट करूँगी मैं यहाँ पे, फिर आपको बताती कैसा दिख रहा है. ओके सो अब ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आया है तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है या मैंने कुछ गलती कर ली. साइज तो बड़ा हो गया है पर मैंने शायद इसको अच्छे से भूंदा नहीं था तो इसमें क्रैक्स है, पर विच इज़ फाइन, वो फिक्सेबल है, बट हो रहा है. शायद मैं थोड़ी देर के लिए और रखूँगी. अब मैं ना सारी जितनी मैंने फिलिंग्स बनानी है उन सबको मैं इकट्ठा मिक्स करूँगी और देखूँगी कि कितना पोर्शन है मेरे पास, और उसके बाद मैं तवे को ऑन कर लूँगी और हम सिड्डू बनाना शुरू कर देंगे. तिल की फिलिंग के लिए मैंने ब्लेंड कर दिए सेसमी सीड्स और मेरे पास थोड़े से यहाँ प्याज मिर्च और हरा धनिया है. अब मैं इसको एक बोल में मिक्स करूँगी थोड़े से नमक के साथ और हमारी ये वाली ड्रेसिंग भी तैयार, सॉरी नॉट ड्रेसिंग, ये वाली फिलिंग भी रेडी हो जाएगी. हेलो जेन, हाउ डिड यू लाइक इट? टेस्टी. ओके ट्राई दिस वन आल्सो नाउ देन. Nice, trying to copy me. Interesting. Smoky. Well, I guess अभी तक सब कुछ बढ़िया है. According to Jen, मैंने magic powder बनाया है. अब इस magic powder को हम अपने bun में डालेंगे और try करते हैं अपने सिड्डू बनाने के finally. इनके यहाँ पे भी same होते हैं bun stuffing के साथ, और but difference ये है कि ये ऐसे dry खाते हैं बट हमारे यहाँ घी के साथ खाते हैं. तो चलो नेक्स्ट, अब मैं आटा देखती हूँ, अगर हो चुका है तो अब मैं इनकी स्टफिंग करनी शुरू करती हूँ. मेरे पास इंडिया वाला स्टीमर तो नहीं है बट मेरे पास ये मोमोज वाला स्टीमर है लकड़ी का, तो मैं सेम मेथड अप्लाई करने वाली हूँ. थोड़ा पानी नीचे और इसको स्टीम होने के लिए रखूंगी और जब तक मेरे यहाँ पे पैन फ्राई हो गए हम साइड बाय साइड इसको करते रहेंगे साइमल्टेनियसली.
जो मैं अगले दो बनाने वाली हूँ वो मैं थोड़े से छोटे रखूँगी क्योंकि ऊपर वाले उसमें जाएंगे। आई वॉन्ट कि सब एक साथ सही टाइम पे कुक हो जाए और वो वैसे भी थोड़े बड़े बने उसके लिए। ओके लेट्स ट्राई अगेन, ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड, सो आई विल ट्राई अगेन। अब जब तक हम अपने सिड्डू पकने का इंतज़ार कर रहे हैं मैं सोच रही हूँ ये बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था खाने के बाद बनाऊँगी बट अब सोच रही हूँ अभी बना लेती हूँ जब तक वो पक रहे हैं, कुछ करने के लिए नहीं है और उसके बाद साफ भी कर लूँगी साथ ही साथ। सो लेट्स मेक द रिमेनिंग वंस। अभी तक तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा, ये टोस्ट भी अच्छे से हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे सिड्डू भी तैयार है। लगने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, आई मीन सॉरी दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। अब खाने के ऊपर है, बस मैं नीचे वाले चेक करती हूँ, क्या पता अगर वो भी रेडी हो चुके हैं तो अब खाते हैं इन्हें। ये तो आपको दिखाना बनता ही है। वाओ कितने बढ़िया बने हैं ये, ऊपर वाला खुल गया है बट दैट्स फाइन, आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट, बट कितने बढ़िया बने हैं ये, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद द रिजल्ट। इसको करते हैं बंद, पहले मैं इससे निकाल देती हूँ और फिर दोबारा से इसमें पानी ऐड करती हूँ दूसरे वाले बैच के लिए। सो हम शुरू करने वाले इन छोटे वालों से, पहले लग रहा है कि पक चुके हैं। या सी बढ़िया पक्के हैं, अब मैं ट्राई करूंगी। मेरे पास घी तो नहीं है तो मैं सोच रही हूँ शायद दही के साथ खा लूं। लेट्स सी, आई कैन नॉट वेट टू ट्राई। पहले सेसमी वाला ये बीच में नहीं आया बट दैट्स फाइन, इसमें थोड़ा डो ज्यादा हो गया बट एटलीस्ट इसमें फिलिंग तो है। It's a little doughy, but it's okay. मेरे हिस्से में हरी मिर्च आई है। Be careful, very hot. Very good. I wish मेरे पास अगर अभी घी होता, इतना स्वाद लगता है, मेरी मम्मी खाती इतना प्राउड फील करती है ना इतने अच्छे सिड्डू बनाए पहले अटेम्प्ट पे। से ये आटे वाले हैं, अगेन इसमें थोड़ा डो बैलेंस नहीं हुआ, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, आई गेस मम्मी का मतलब होगा कि निकाल दो, कोई बात या ना निकालो अभी पता चलेगा। मैंने उन वालों में निकाला नहीं था और इन वालों में बेस निकाला था। वेरी नाइस, अ लिटिल ड्राई। ड्राइनेस के लिए दही या फिर घी, तो मैं दही के साथ खाऊंगी अभी इनको, बाकी को एंजॉय करके। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मेरे सिड्डू की रेसिपी कैसी लगी और आप सभी को भी न्यू ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मेरा काइंड ऑफ न्यू ईयर डिनर और ईद का सेलिब्रेशन था, सोचा क्यों ना थोड़ा सा
फेमिलियर किया जाए इस बार न्यू ईयर के लिए. सो दिस इज व्हाट आई डिड. डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आप लोगों ने अपने न्यू ईयर के लिए क्या किया. और आप सभी को मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या है. लाइक शेयर और सब्सक्राइब. सी यू सून. बाय. How is it with yogurt? Tasty.